पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है हाँ ये कभी खत्म ही नहीं होती जी। जब टिकट वितरण हो रहा था तो कुमारी शैलजा नाराज होकर घर बैठ गई और लंबा समय मैं तो कहूँगा कि चुनाव के आखिर तक घर बैठी रही। क्या ये भी कारण रहा है जो भाजपा की नीति थी ध्रुवीकरण वोटों का और मनोहर लाल खट्टर जी को बदलना और ओबीसी वो मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा लेके आना वो तमाम बातें जो ना सोच समझ कर कि भाई करण दलाल आपके रिश्तेदार हैं जरा उनको आप कहिएगा कि वो ज़्यादा प्रचार में हिस्सा लें तो वो नहीं उनको लेके आगे आ सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नेता हाँ, कुमारी शैलजा दलित नेत्री जी, चौधरी उदयभान दलित नेता हाँ, शादीलाल बत्रा यहाँ पर पंजाबी नेता जी, कहीं लेकर के नहीं गए उनको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, आप प्रदेश तो तब जीतोगे, पहले अपने घर को तो जीत लो। भाजपा की एक बात बड़ी है उनकी रणनीति जो वो तैयार करते हैं ना मिल बैठ कर उसकी तो दाद देनी। मैं कह रहा हूँ भाजपा रणनीति बनाती है मिल बैठ कर हाँ, और ये रणनीति बनाते हैं तोड़ फोड़ कर हाँ, यही अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य लगभग फाइनल राउंड में है। चुनाव के अंदर जो माहौल बना हुआ है जिससे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक तय है। लगभग 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है जिनमें से 20 सीटें डिक्लेयर हो गई हैं और 30 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर लगभग 35 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस की 5 सीटें बढ़ी हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 उन दोनों आंकड़ों को ध्वस्त करते हुए अब की बार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हरियाणा के अंदर तमाम सर्वेक्षण, तमाम आंकड़े, तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। तमाम एग्जिट पोल में कहा गया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बन सकती है। किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को 52 से कम सीट नहीं दी गई थी और वहाँ से चल करके कहीं 52, 54, 56, 58, 60, 70 तक सीटें दी गई और भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम 24 सीटें दी जा रही थी। ये सब क्यों हुआ? कांग्रेस चुनाव के अंदर कैसे पिछड़ी? कांग्रेस जो दावा था, जिनका लगता था कि सरकार बन सकती है, वो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर कैसे रही? कांग्रेस की राजनीति क्या हरियाणा में अवसान के दौर पर है? कुछ ऐसे मुद्दों पर, कुछ ऐसे सवालों पर मैं चर्चा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। जी, देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और कांग्रेस की राजनीति को बहुत पास से जानते हैं, बहुत पास से देखते हैं। सुरजेवाला जी, एक लाइन में एक जवाब कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी? ओवर कॉन्फिडेंस, अतिविश्वास। अतिविश्वास। सुरजेवाला जी, जब टिकट वितरण का दौर शुरू हुआ था जी, टिकटें बांटी जा रही थी हाँ जी, तो उस दौर के अंदर एक बातें शुरू हुई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है हाँ ये कभी खत्म ही नहीं होती जी। जब टिकट वितरण हो रहा था तो कुमारी शैलजा नाराज होकर घर बैठ गई और लंबा समय मैं तो कहूँगा कि चुनाव के आखिर तक घर बैठी रही। क्या ये भी कारण रहा है? देखिए, ऐसा है कि गुटबाजी तो स्वाभाविक है लेकिन जब ज़्यादा उभर कर आ जाती है वो नुकसान के उस पर आ जाती है और आम जनता ये इस बात को स्वीकार करे हुए थी कि अगर कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस ही हराती है जी, और यदि मिलकर चुनाव लड़ा तो अच्छी सीटें हासिल कर लेंगे, अन्यथा ये बिल्कुल कांग्रेस सरकार तो बनाएगी लेकिन बिल्कुल जो मैजिक फिगर है 46 जिसको कहें हम उसके आसपास सिमट के रह जाएंगे, 50 या नहीं। अब टिकटों का जैसे वितरण की आपने बात की जी, तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया और सभी ने ये बात को उछाला और सबके सामने ये बात आई कि उनमें से वर्चस्व भूपेंद्र हुड्डा जी का रहा, 72 सीटें उनको, उनके चाहने वालों को यानी उनके जिनकी उन्होंने सिफारिश की उनको 72 सीटें मिली हैं जी। तो ये माना गया था कि भी भूपेंद्र हुड्डा जी की
जो है ना पार्टी के अंदर वो उनकी बात को माना गया है और उनकी लीडरशिप को स्वीकार किया गया है। तो इससे जो है ना गुटबाजी को, जैसे आपने कहा, मैं तो कहूँगा कि इसको और ज़्यादा हवा मिली। जी, जब आपने एक तरफ बात को कर लिया, जैसे आपने नाम लिया, जी उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में या उससे बाहर ही नहीं निकले। दूसरा ये रहा कि उसका प्रभाव मिलजुल के काम करना था, ये ठीक है कि राहुल जी आए, सबने एक स्टेज को साझा किया, दिखावे के लिए हाथ भी मिलवाए, होता है वो तो जरूरी था सबका, लेकिन उससे पहले जो डैमेज हो चुका उसको कंट्रोल शायद नहीं कर पाए। और दूसरा हुड्डा जी का ये था कि लोगों में ये भी है कि लोकदल एक तरह से हरियाणा में समाप्त हो चुका था। जी, लोकदल का जो प्रभाव था वो बहुत कम आ गया था, चुनाव में दिख भी गया। हाँ, इससे पहले भी लोकदल का जो वोटर था या जो नेता थे वो काफी लोगों ने बीजेपी कांग्रेस के अंदर आ गए और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अभी कांग्रेस का लोकदलीयकरण हो गया है और हुड्डा साहब उसके सूत्रधार है। जो कांग्रेस का मूल कांग्रेस थी वो कुछ लोग बैकफुट पे चले गए, वो भाजपा में चले गए, भाजपा में चले गए, बैकफुट पे चले गए, पीछे हट गए। दूसरा जो शुरू से भाजपा ने अपनाया हुआ है, जिसको कि आम हरियाणवी भाषा में कहता 35 वर्सेस 1, जी उस एजेंडे को बरकरार रखते हुए भाजपा ने काम किया, जबकि लोगों में यह था कि एंटी इनकम्बेंसी, भाई सभी वर्ग नाराज है, परिवार पहचान पत्र, अग्निवीर, किसान आंदोलन, पहलवान, जवान, यानी व्यापारी वर्ग भी, कर्मचारी, कर्मचारियों का तो जो आपका बैलेट पेपर का जो आया है आज वो तकरीबन सभी कर्मचारियों का है जी, उसका नतीजा भी यही बताता है कि वो नाराजगी दिखाई उन्होंने। तो वो सारी बातों को देख के ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है बड़ा हावी है। लेकिन इसके साथ साथ जो भाजपा की नीति थी ध्रुवीकरण वोटों का और मनोहर लाल खट्टर जी को बदलना और ओबीसी वो मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा लेके आना, वो तमाम बातें जो ना सोच समझ कर भाजपा की एक बात बड़ी है, उनकी रणनीति जो वो तैयार करते हैं ना मिल बैठ कर, उसकी तो दाद देनी पड़ी। मैं कह रहा हूँ भाजपा रणनीति बनाती है मिल बैठ कर, हाँ, और ये रणनीति बनाते हैं तोड़ फोड़ कर। हाँ, यही अंतर रहा है बिल्कुल कांग्रेस के जो लोग हैं। आपने सही कहा, कुमारी सैलजा को देखें एक बात, आपका दावा मुख्यमंत्री का हो सकता है, अरे मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, उसमें सभी दोषी हैं। आप पूरे चुनाव में दूर रहती हैं जी, पूरे चुनाव में दूर रहते हुए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव परिणाम था, हाँ, लोकसभा चुनाव परिणाम में भी सैलजा ने खूब तोहमत लगाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, और भूपेंद्र हुड्डा जी भी सिरसा में एक बार भी नहीं गए। मैं वो कह रहा हूँ कि वो सिरसा में उन्होंने नहीं बुलाया होगा तो नहीं गए। हाँ, पर लेकिन जाने तोहमत कितनी बड़ी आप ये लेकिन देखें। धन्यवाद करने वहां पहुंच गए, ये क्या धन्यवाद करने गए जी। अब आप फरीदाबाद का देख लीजिएगा, महेंद्र प्रताप जी यहाँ पे प्रत्याशी थे, उन्होंने बड़ा दमदार चुनाव लड़ा, हुड्डा साहब सिर्फ एक दिन आए, पलवल क्षेत्र अहम था, पलवल जिला है, पलवल का जो क्षेत्र था विधानसभा क्षेत्र, उसके किसी भी बूथ पर किसी भी गांव में उन्होंने प्रचार किया ही नहीं। पलवल जिला, पलवल विधानसभा क्षेत्र। अब महेंद्र प्रताप जी ने बहुत जोर लगाया कि आप पलवल शहर है, पलवल में एक सभा रख लीजिएगा। करण दलाल आपके क्या स्टार प्रचारक जो होते हैं सुरजेवाला साहब, मैं मेरी बात पूरी करूं कि भाई करण दलाल आपके रिश्तेदार हैं, जरा उनको आप कहिएगा कि वो ज्यादा प्रचार में हिस्सा ले, तो वो नहीं उनको लेके आगे आ सके, कई ऐसी बातें रही। प्रमुख चेहरे थे, आपने फरीदाबाद की बात छेड़ दी, आपकी बात उस बात को खत्म कर रहा हूँ, मगर उसके बाद धन्यवादी दौरा करने आ गए। उस वक्त महेंद्र प्रताप जी जो यहाँ के प्रत्याशी थे उस सभा में धन्यवाद आप कर रहे हो, अरे कम से कम उनका तो होना लाजमी था ना। विजय प्रताप थे वहां पर, विजय प्रताप प्रत्याशी थोड़े ही थे, चौधरी महेंद्र प्रताप का जिक्र कर रहा हूँ, जो प्रत्याशी थे उनका होना धन्यवाद तो उनकी तरफ से बनता था। ठीक है, हुड्डा साहब आए हैं, उनका आना बहुत जरूरी था, लेकिन महेंद्र प्रताप जी का होना भी तो वहाँ लाजमी था ना, उनको आमंत्रित भी नहीं किया, वो गए भी नहीं। तो ये जो फूट
जो आपने कहा ये रणनीति, ये उसके तहत भाई नुकसान तो आपने फिर उठाना था, उठा लिया है, सीधी सी बात। कांग्रेस पार्टी, आपने भी कहा कि जी बीजेपी पर आप तोहमत मर रहे थे, आप कह रहे थे कि 35 वर्सेस एक का वो देखिए, वो तो सब सामने आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। आप देखें, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नेता, हाँ, कुमारी शैलजा दलित नेत्री जी, चौधरी उदयभान दलित नेता, हाँ, शादीलाल बत्रा यहाँ पर पंजाबी नेता जी, कहीं लेकर के नहीं गए उनको। ब्राह्मण नेता के रूप में अगर देखें तो आपके पास कुलदीप बस थे, कुलदीप शर्मा थे, कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे कहीं भी, अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते रह गए वो लोग। मैंने कहा ना, सबको साथ नहीं लिया, चाहे वो कैप्टन अजय सिंह हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप कांग्रेस के अंदर तो वो था, कुलदीप शर्मा हो, सुरजेवाला जी। एक पुरानी कहावत है, एक मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ जी, कि पहले आ गए गांव बसा नहीं। हाँ, पूरी कहावत मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो जब टिकटें बट रही थी जी। अभी आपने कैप्टन अजय यादव का नाम लिया, हाँ। कैप्टन अजय यादव ने दावा कर दिया कि मेरा बेटा बनेगा डिप्टी सीएम, टिकट मिली नहीं, नॉमिनेशन कराए, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखें दूसरे कांग्रेस के नेता शमशेर गोगी, हाँ, चुनाव हार गए अब की बार जी। शमशेर गोगी नॉमिनेशन कर दिया, चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा संदेश दिया कि जनता भ्रमित हो जाए जी, कह दिया कि पहले अपना घर भरेंगे नहीं ऐसे। तीसरे नीरज शर्मा और टिकटों वो नौकरियां बांट रहे थे। चौथे लखन कुमार सिंगला वो भी नौकरियां बांट रहे थे कि हम बहुत वजनदार नेता हैं और हम पता नहीं क्या कर देंगे। मैंने कहा ना आत्मविश्वास। चौधरी उदयभान भरम, वो चौधरी उदयभान, हाँ, मैं हरिंदर राम रतन को राजनीति का नौसिखिया कहूंगा, बिल्कुल। चुनाव में शिकस्त दे दी उन्होंने, बिल्कुल। अपने परिवार को संभाल नहीं पाते, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाते उदय भांजी के बारे में, और आप तोहमत मरते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस के लोग। उदय भांजी के बारे में ये था, पार्लियामेंट के चुनाव में भी उन्होंने अपने क्षेत्र में जहां काम करना चाहिए था नहीं किया, नहीं कर पाए। क्या वजह थी? वो बड़े नेता थे, पूरा प्रदेश में घूम रहे थे, क्या वजह थी? और अब भी आपके, आपको मैं बताऊं सुरजेवाला जी, आपको बात ही मेंशन कर रहा हूं, मुझे ये लग रहा था कि ये कहीं उनको बड़प्पन बड़ा नेता होने का शायद वो खामियाजा तो ना भूल, हाँ, शायद वही फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आपको मेंशन करता हूं मैं। पूरे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में दो ऐसे नेता थे कांग्रेस के जी, जिन्होंने कांग्रेस के चुनाव को अपना चुनाव करके लड़ा, हाँ, मोहम्मद इजराइल, हाँ, 33,000 वोटों से चुनाव जीत गए, ठीक है। पिछला चुनाव 52,000 से जीते थे, अब 33,000 से, यानी कि जीत का मार्जिन 52,000 की लीड थी, तो ये घटके 33 पे आई, घटी, बहुत बड़ी जीत हुई पर जी, 33,000 की जीत बड़ी जीत है और नहीं माना जा रहा था। दूसरे नेता थे रघुवीर सिंह तेवतिया, हाँ। रघुवीर सिंह तेवतिया इस चुनाव के अंदर जो चुनाव हुआ आपका जी लोकसभा का जी, वो चुनाव रघुवीर सिंह तेवतिया ने भी और उनके बेटों ने भी ऐसे लड़ा जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये दो कैंडिडेट थे, ये दोनों कैंडिडेट चुनाव बड़े अंतर से जीत गए जी। तीसरे कैंडिडेट आपके विजय प्रताप थे जी, वो खुद ही कैंडिडेट थे, लोकसभा के भी कैंडिडेट खुद थे, हाँ। विधानसभा में खुद थे, लोकसभा में वो बड़े मार्जिन से हार गए, विधानसभा में वो छोटे मार्जिन से हार गए, हार वो भी गए जी। अब आपने नाम लिए थे काम ना करने वालों के जी, चौधरी उदयभान, हाँ जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी। आप प्रदेश तो तब जीतोगे, पहले अपने घर को तो जीत लो। मैं वही कह रहा था, अपने घर में वो होते ही नहीं थे। मैं वही कह रहा था, मैंने कहा ना कि मुझे एक बार ये अंदेशा हुआ कि कहीं उनका ये बड़प्पन या उनका ये जो ऊंचा पद और ये अपने क्षेत्र से मतलब समय का, हर्ष कुमार को कांग्रेस में लाया गया, हाँ, कांग्रेस में आए वो जी, दोनों बातों में कुछ भी कह लो, हाँ, नहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में आए या वो कांग्रेस में लाया गया, लोकसभा चुनाव में मेहनत की, मेहनत की, ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद में उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई जी। हर्ष कुमार टिकट चाह रहे थे जी हथीन विधानसभा का, हाँ, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट सबको मिलता भी नहीं है जी जी जी। हर्ष कुमार वहाँ विरोध में खड़े हो गए जी, होटल के अंदर जी। मतलब क्या इनको पता ही नहीं था कि अगर उनको ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, वो जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल। अगर आना जाना यही चलना था जी, तो जी। फिर पहले सोचना चाहिए था उनको, नहीं उनको मनाना चाहिए था, हर्ष कुमार जी को लेके आए थे तो उनको मान सम्मान के साथ रोकना चाहिए था, यही तो कमी रही है। किरण चौधरी निकल के गए, अब करण सिंह दलाल जी, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में बड़ा बड़ा नाम है वो भी जी। लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल साइलेंट से थे, अब मतलब
निष्क्रिय कहिए या ये कहिए कि भी जितना मेहनत करनी थी शायद उतनी नहीं कर पाए। जितने वोट से कांग्रेस पलवल में हारी थी उससे डेढ़ गुना वोट से हार गए करण दलाल जी। 26,000 से हारी थी लगभग कांग्रेस जी पलवल विधानसभा में। हाँ जी। संसदीय चुनाव जी, पर अब विधानसभा का चुनाव लगभग 42,000 से हार गए, रिकॉर्ड बन गया पलवल का जी। ये लखन सिंगला कैंडिडेट है, हवाएं कुछ संदेश दिया करती हैं जी। एक पुरानी कहावत है कि जब धुआं उठता है तो उसके पीछे कहीं आग या चिंगारी जरूर होती है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर, क्योंकि आपने महेंद्र प्रताप जी की बात की थी तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी, और ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर कांग्रेस में होता क्या है जी, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति को आप बड़े पास से जानते हैं जी, जी देखते जी, भी हैं जी। लखन कुमार सिंगला के बारे में ये बात चली जी, करण दलाल पहले ही कहते थे उनके लिए, तो आपस की काट जो आपने शुरू में ललित नगर, आप यही कहना चाह रहे हो, पार्टी के नेता आपका टिकट लेके आते हैं और आप बुरी बनाते हैं। शुरुआत ही ये हुई थी, शारदा राठौर, नीरज शर्मा, किस किस का नाम लें भाई, शुरुआत ही हुई थी कि जैसे लोग कहते हैं अभी कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। अच्छा, एक लाइन में फरीदाबाद के लिए एक बात बोल दूं जी, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। हां नहीं, उसका नतीजा तो यही है, बिल्कुल ये नतीजा जो है उसी का फल स्वरूप तो सामने है, जो कैंडिडेट उनके लोकसभा के थे, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। एक चीज और भी है इसमें कि जो लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है उसके बिल्कुल ठीक पीछे विधानसभा का अगर चुनाव आता है ना, कमोबेश वो नतीजे लगभग उनका प्रभाव वो छोड़ते हैं। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसका विधानसभा के ऊपर रिफ्लेक्शन आता ही आता, लगभग लगभग वैसा ही आता है, रिफ्लेक्शन आता है, और वो लोकसभा का यहाँ भी नजर आ रहा था। अभी आपने कहा था जब मीडिया शुरू कर रहे थे, आपने कहा था जी अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत गई थी। हाँ जी, विधानसभा आते आते वो जी 40 पे टिक गई, उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस ही खराब। 5 सीटें जीतने वाला ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को इतना हुआ कि वो जी विधानसभा में बस 5 ही बढ़ा पाए, और यही है जो तो यही है, उनको जो होना चाहिए था वो उससे 5 ही बढ़ पाए। लोग तो ये भी कहते थे कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टी नहीं लड़ रही कोई भी जी, और एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे तीसरे फैक्टर। सुनने वाला साहब, मैं तो ये मानता हूँ चुनाव हमेशा जनता लड़ती है, कोई भी चुनाव नहीं, नहीं कई बार किसी के फेवर का हो या किसी का विरोध का हो। जैसे 1977 का चुनाव था, पार्टियों की तो रणनीति होती है, 1987 का चुनाव था, जनता लहर, चौधरी देवीलाल की लहर थी, जनता लहर बनाई ना वो भी, वो नहीं, ये उस वक्त चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा उनका कद था, उसको वहां तक ले जाना जनता को, चूंकि 1982 में जो हरियाणा में हुआ था उसका जो परिणाम 1987 में खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और ये मैंने कहा ना कि जनता कई बार अपना चुनाव लड़ती है, मन बना लेती है, जैसे 1977 में था, 1987 में था, तो इस बार भी कहा जा रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी का कोई ज़्यादा योगदान नहीं है नेताओं का, तो ये कई बातें थी जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं ने काम नहीं किया या उसका परिणाम सामने आ गया। जनता ने लड़ाई लड़ी तो 35-36 सीटें दे दी आपको, तो जनता ने लड़ाई जितनी लड़ी होते हैं हिसाब से आपको मिल गया, आपको मिल गया। लेकिन इस बात को आप भूलिएगा मत कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी थे और सरकार के प्रति रोष भी था, आम जनमानस दुखी भी था, लेकिन बावजूद इसके भी ये क्या वजह रही, मैंने बताया ना दो एक चीजें काम कर रही थी, एक तो जो साइलेंट वोटर बीजेपी का वो बीजेपी का वोटर कहिएगा या ये 35-1 का नतीजा कहिएगा, बहुत मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, एक विशेष वर्ग का जो है हरियाणा में, मतलब बोलबाला या हुड्डा साहब के बारे में ये कहा गया कि वो जाट नेता है और उनका अपने जो समुदाय है उनके अंदर उनको निर्बाध नेता स्वीकार किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी बिल्कुल तय है दूसरे जो वर्ण के लोग थे वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उनके अंदर इस बात का भी रोष था कि अगर ये होंगे तो शायद तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी ना हो जाए आदि आदि, ये प्रचार भी था बीजेपी का, उसका परिणाम भी ये हुआ। तो जो मैंने बताया ना कि जो साइलेंट वोटर था वो इस किस्म का वोटर था, मैं वही बोल रहा हूँ कि आखिर
फिर कांग्रेस उसका जवाब क्यों नहीं दे पाई, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई, आम वोटर तक? पूरा चुनाव संविधान संविधान करते रहे, दलित वोटर फिर पिछड़ गया। पूरे चुनाव में राहुल गांधी, पूरे लोकसभा का चुनाव था चाहे फिर विधानसभा का हुआ, राहुल गांधी की बात करते हैं जी, पत्रकारों से पूछते हैं बताएं आपके बीच में कितने पिछड़े हैं। दौरा जो हुआ निसंदेह उससे कांग्रेस पार्टी को लाभ तो मिला है। एक तो वो देरी बहुत करी, उनके आने में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी, और जब तक जो आपका डैमेज हो चुका था वो उसको पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, परिणाम तो यही कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के दिग्गज जो नेता रहे, बड़े नेता जी, वो अपनी सीटों पर सिमटे रहे, उनके पास कोई वो भी नहीं, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के अलावा, एक उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान, इनके अलावा कोई कांग्रेस के पास देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां को कांग्रेस में लाया गया जी, कांग्रेस में आए वो लोकसभा चुनाव से पहले, उचाना में उलझे रहे, उचाना भी हार गए अब तो जी। उसके बाद अगर देखें तो अशोक तंवर को लेके आए, नायाब हीरा है अशोक तंवर, तो खैर अब आए हैं अंतिम, उसका तो क्या, अंतिम चरण में, वो तो नायाब हीरा कहें या कोहिनूर कहें, कोहिनूर हाँ, वो तो उनका तो मैं नहीं कोई भी प्लस माइनस में उनको मानता, उनका आना और जाना कोई मायने नहीं रखता, लोगों ने इस बात को तो अच्छी तरह। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सबक ये चुनाव? बहुत बड़ा सबक है, एक और है आगे के लिए भी, चूंकि डिलिमिटेशन होनी है 2025 में जी, जो सत्ता दल है वो अपने हिसाब से सीटों का जो है ना, इसको जेरीमेंडरिंग कहते हैं, जेरीमेंडरिंग एक अमेरिकन वर्ड है, हल्का जो होता है ना उसको तो इधर उधर से, जेरीमेंडर एक जैसे हमारा छिपकली होता है ना, वैसे एक जानवर है जी, रेप्टाइल है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है ऐसा, तो जेरीमेंडरिंग वो कहते हैं कि हल्कों को ये गांव तोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको उसमें कर दो, उसको इसमें, तो ये चलेगा, और वो अपने हिसाब से सीट, वो विधानसभा क्षेत्र जो है ना वो निर्धारित करेगी, और सत्ता दल का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो अभी और मैंने कहा कि रणनीति में भाजपा का कोई उसका मुकाबला नहीं है, तो ये उसको भी करेंगे और आगे तक फिर इस बात का खामियाजा कांग्रेस। चलिए अंतिम सवाल, अंतिम सवाल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा टायर्ड या रिटायर्ड? देखिए उनका उम्र का ये इस वक्त जो है 77 साल वो पार कर चुके हैं, आते आते वो अगला चुनाव 1982 अगला चुनाव जो 29 में होगा और तब तक वो 82 साल की उम्र पार कर जाएंगे, तो 82 साल की उम्र काफ़ी हो जाती है। और अब विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना होगा तो उसके लिए फिलहाल तो टायर्ड रिटायर्ड थे तो उसमें फिलहाल तो वही है, वही देखिए आगे चेहरा वही चेहरा है, फिलहाल तो वही लगता है जी। क्या लगता नहीं है कि वो किसी और को, शायद जैसा कि इतिहास बता रहा है कि किसी और को आगे आने की कोई संभावना हो? क्या सबक लेंगे कांग्रेसी कुछ इससे? अंतिम सबक लेते तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, मतलब यही चलेगा आगे भी ऐसा, कुदरत को मंजूर। ये देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जो बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे के लिए टायर्ड भी और रिटायर्ड भी, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। इसके साथ साथ बता रहे हैं अगर कांग्रेस सबक लेती तो अब तक ले लेती, हरियाणा एक ऐसी प्रयोगशाला बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और गुजरात हो चुके हैं। आप कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।